स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्योर बेंडिंग ऑफ बीम का जो चैप्टर था उसे कंप्लीट किया है। तो यूनिट 5 में हम लोग 3 चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर था सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसको हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया। उसके बाद प्योर बेंडिंग ऑफ बीम भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कम्प्लीट किया। आज से जो हमारे फिफ्थ यूनिट का थर्ड चैप्टर है, दैट इज़ थ्योरी ऑफ टॉर्जन, तो टॉर्जन की स्टडी करेंगे हम लोग। और आज ही ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें हम लोग टॉर्जन के बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि हम उस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझें, क्योंकि जो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है ये पूरे चैप्टर का बेस होता है, और इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे इस यूनिट में। तो इसमें बेसिकली हम लोग शाफ्ट की स्टडी करेंगे। शाफ्ट का मतलब आप जानते हो, शाफ्ट यूज होता है पावर ट्रांसमिशन के केस में। जो व्हीकल्स होते हैं, अगर आप लोगों ने ट्रक देखा होगा तो ट्रक में नीचे एक सर्कुलर रॉड होता है जो रोटेट करता रहता है। इसका काम होता है, जो हमारा शाफ्ट होता है, जनरली अगर हम इसके शेप की बात करें तो इसका एक सर्कुलर शेप होता है कुछ इस टाइप से। यहाँ पे मैं एक शाफ्ट बना के फिर आपको समझाता हूँ। लेट सपोज ये हमारा शाफ्ट है, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ये इस तरह से। और इस शाफ्ट का काम होता है पावर ट्रांसमिट करना, मतलब जो इंजन के पास पावर होता है उसको रियर व्हील्स में जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, शाफ्ट यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने एक शाफ्ट यूज किया है। तो इन दिस चैप्टर वी कैन से वी विल डू द स्टडी ऑफ शाफ्ट, एनालिसिस ऑफ शाफ्ट अंडर टॉर्सन, या कह सकते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट। तो शाफ्ट हमारा टॉर्सन में कब होगा, जैसे ये हमारा शाफ्ट है, मान लीजिए ये इसका सेंटर है, ये शाफ्ट का सेंटर है, और इस पे लेट सपोज यहाँ पे एक टॉर्क लगाते हैं, ये टॉर्क टी, यहाँ पे एक टॉर्क लगाते हैं। टॉर्क आप जानते हो, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क हमारा होता है, टॉर्क इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और ये होता है टॉर्क हमारा होता है टेंजेंशियल फोर्स, मतलब ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप से होगा, एक सर्कल की तरह होगा, और इस सर्कल पे अगर ये टेंजेंशियल फोर्स है, और इसका सेंटर है, मान लेते हैं ये सेंटर से डिस्टेंस, ये रेडियस आर, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो जो टॉर्क होगा ये होता है फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स कह सकते हैं, टॉर्क टी इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स इंटू रेडियस, रेडियस ऑफ शाफ्ट कह सकते हो, तो टेंजेंशियल फोर्स इंटू रेडियस, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं टॉर्क टी इक्वल टू एफ इंटू आर। तो इसी तरह से अगर टू इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज लगाया, इस तरफ से एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा दिया जाए, एंटी क्लॉकवाइज, और ये हमारा क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो ये टू इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क क्या करेंगे, इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट, इसको ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट का मतलब है, अगर आप लोगों ने कभी कपड़े को धुलने के बाद जब उसका पानी निकालते हैं, पानी निचोड़ते हैं कपड़े को, तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को ऐसे कुछ इस टाइप से ऐसे मरोड़ देते हैं। ये जो मरोड़ना होता है यही क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट। जैसे ये अभी ये मान लीजिए पेन है, तो इसको हमें बंद करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे क्लॉकवाइज, तो ये वाला हमारा क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो इक्वल अपोजिट इस पे क्या कर रहे हैं, टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। तो व्हेन इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क, या मैं कह सकता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि जो मेन पॉइंट्स हैं ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है इस चैप्टर का। तो हम कह सकते हैं अ शाफ्ट इज सेट टू बी
सेड टू बी इन टॉर्सन, इन टॉर्सन, क्योंकि चैप्टर का नाम भी टॉर्सन है तो इसके बारे में जानना जरूरी है. व्हेन इक्वल एंड अपोजिट, व्हेन व्हेन इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट. आप लोग इसे अपनी नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा, आगे आपके काम आएगा. टॉर्क्स, यहाँ पे क्या किया, इक्वल अपोजिट टॉर्क्स अप्लाई किया है, तो इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क्स आर अप्लाइड, आर अप्लाइड, आर अप्लाइड एट द टू एंड्स. एक एंड यहाँ पे है, दूसरा एंड यहाँ पे है, तो अप्लाइड एट द टू, एट द टू एंड्स, टू एंड्स ऑफ द शाफ्ट, ऑफ द शाफ्ट. तो जब किसी शाफ्ट पे दो इक्वल और अपोजिट टॉर्क अप्लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो शाफ्ट हमारा किसमें, टॉर्सन में है. टॉर्सन मतलब ट्विस्टिंग मोमेंट. टॉर्सन का मतलब क्या होता है, जहां भी हम टॉर्सन की बात करते हैं ये सीधे सीधे इसका मतलब ये होता है, ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्ट करना, मरोड़ना. अब आप मुझे लगता है समझ गए होंगे. तो इस ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से क्या होगा, ये जो ट्विस्टिंग मोमेंट होता है वो इसमें शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन जनरेट करता है, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन जनरेट करता है, और इसी की हम लोग एनालिसिस करते हैं इन थ्योरी ऑफ टॉर्सन. तो मैं कह सकता हूं कि शियर स्ट्रेस, दिस ट्विस्टिंग मोमेंट, दिस ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट कौन सा, ये इक्वल अपोजिट टॉर्क जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस ट्विस्टिंग मोमेंट कॉजेज, कॉजेज शियर स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस एंड एंड शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन. देखिए इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ा था, और यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं. तो शियर स्ट्रेस तब जनरेट होता है जब इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स लगता है सरफेस पे, टेंजेंशियल फोर्स लगता है, तो वहां पे हमारा शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन जनरेट होता है. तो शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन्स इन द मटेरियल, इन द मटेरियल ऑफ शाफ्ट, इन द मटेरियल ऑफ शाफ्ट, इन द मटेरियल ऑफ शाफ्ट. अच्छा, ये तो बात हो गई टॉर्क की और ट्विस्टिंग मोमेंट की. टॉर्क क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट क्या है, मैथमेटिकली टॉर्क क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस, रेडियस कहाँ से, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपका रेडियस है. तो इस तरह से ये बात हो गई टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट की. अब एक इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्या, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अजम्पन्स, क्योंकि एक्चुअल एनालिसिस हम लोग एक्चुअल डेटा पे नहीं करते हैं. हम लोग जो एनालिसिस करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को अज्यूम करते हैं, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ अजम्पन्स यूज करते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब भी आपसे टॉर्सनल इक्वेशन प्रूफ पूछा जाएगा उस समय आपसे ये अजम्पन्स पूछे जाएंगे, अजम्पन्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. फिर से मैं कह रहा हूँ, अजम्पन्स आपके, अजम्पन्स यूज्ड इन टॉर्सनल, टॉर्सनल एनालिसिस, एनालिसिस. ये जो अजम्पन्स हैं ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं. जैसे आप लोगों ने प्योर बेंडिंग ऑफ बीम के केस में अजम्पन्स आपने नोट किया था, उसी तरह से टॉर्सनल एनालिसिस में भी कुछ अजम्पन्स हैं, वो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ इन अजम्पन्स को. आप इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा, जो भी आपकी नोट्स की कॉपी है वहाँ पे आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में भी काम आएगा. तो फर्स्ट अजम्पन्स क्या लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा शाफ्ट है इसका मटेरियल क्या है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक. तो मटेरियल ऑफ शाफ्ट, फर्स्ट अजम्पन्स इज मटेरियल ऑफ, मटेरियल ऑफ शाफ्ट, ऑफ शाफ्ट इज होमोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक. मतलब इसका मटेरियल थ्रू आउट सेम होता है पूरे शाफ्ट का, ये हम अज्यूम करेंगे. मटेरियल ऑफ शाफ्ट इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, ये हमारा फर्स्ट अजम्पन्स हो गया. एक और अजम्पन्स है, सेकेंड अजम्पन्स, सेकेंड हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो ट्विस्ट होता है इस शाफ्ट में, जब हम शाफ्ट को ट्विस्ट करते हैं तो ये ट्विस्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है,
ट्विस्ट जो होता है यूनिफॉर्म होता है, मतलब द ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट, मैं लिख सकता हूँ इसको द ट्विस्ट। देखिए ये थ्योरेटिकल लेक्चर है लेकिन बहुत काम का लेक्चर है आपके। द ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट, अगर मैं ये वीडियो इस टॉपिक पे ना बनाता, डायरेक्ट मैं आपको टॉर्सनल इक्वेशन डिराइव कर देता, तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम होती समझने में। जब आप टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट को समझ लोगे, इसके अजम्पशंस को समझ लोगे, तो आपको वहाँ पे आपको इस केस में आगे पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा आपके समझ में आएगा। इसलिए ये फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है थ्योरी ऑफ टॉर्सन का, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड हो गया द ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म, एंड थर्ड अजम्पशन है द शाफ्ट इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये जो शाफ्ट है यहाँ पे, तो हो सकता है मैंने बनाया है इन दोनों लाइंस के बीच में आपको क्या डिस्टेंस हो सकता है वेरिएबल दिख रहा हो, लेकिन इन एक्चुअल आप यहाँ से कट करो इस शाफ्ट को कहीं से भी कट कर दो, तो आप जहाँ भी कट करोगे आपको क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म मिलेगा। ये हम अज्यूम करते हैं कि द शाफ्ट इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट। द शाफ्ट is of uniform cross section. Shaft is of uniform cross section throughout. ये जो हमारा shaft है इसका cross section throughout same है, कहीं पर भी variable नहीं है। ये हमारा third assumption हो गया। Next assumption है assumption number 4, load is within elastic limit। ये हम लोगों ने अजम्पशन वहां भी यूज किया था जब प्योर बेंडिंग आप बीम पढ़ रहे थे, तो लोड इज विद इन इलास्टिक लिमिट। हमारे शाफ्ट पे जो लोड है वो विद इन इलास्टिक लिमिट है, मतलब इसमें जो डिफॉर्मेशन, अगर हम लोड को रिमूव करेंगे तो मटेरियल हमारा रीगेन कर लेगा अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को विद इन इलास्टिक लिमिट। ये फोर्थ अजम्पशंस हैं। एक अजम्पशन और आपको बताते हैं, अजम्पशन नंबर 5 है क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर, मतलब जो शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है जो कि ट्विस्ट करने से पहले प्लेन होता है, ट्विस्ट करने से पहले ये जो क्रॉस सेक्शन है प्लेन है, ट्विस्ट करने के बाद भी ये प्लेन ही रहता है, मतलब इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता है। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्ट, मतलब ट्विस्ट होने से पहले जो आपके पास शाफ्ट था वो प्लेन था, और ट्विस्ट होने के बाद भी वो प्लेन ही रहेगा। और इसकी लेंथ में जो हमारा एक मैं अजम्पशन सोल लिखाता हूँ, एक और लिखाता हूँ, वैसे आप एग्जाम में 5 अजम्पशंस लिख देते हो तो जो भी मार्क्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन एक अजम्पशंस जो लिखाना और बताना जरूरी है आपके लिए वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अजम्पशंस नंबर 6, नो चेंज अकर्स इन लेंथ ऑफ शाफ्ट, है ना, जो शाफ्ट की लेंथ है वो भी सेम होगी, नो चेंज अकर्स इन लेंथ ऑफ शाफ्ट, मतलब जब हम इस शाफ्ट को इसमें जब ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई करेंगे, इसको ट्विस्ट करेंगे, टॉर्सन इसमें अप्लाई होगा, तो इसकी लेंथ में, ये जो लेंथ है ये शाफ्ट की क्या है, लेंथ है। मान लीजिए इसकी लेंथ एल है बिफोर एंड आफ्टर, तो ट्विस्ट करने से पहले और ट्विस्ट करने के बाद भी इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, इसकी लेंथ आपको जितना पहले थी उतना ही होगा। जो ट्विस्ट होता है, जो चेंजेज होते हैं इसमें, जो डिफॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होगा, इस क्रॉस सेक्शन में होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अजम्पशंस आपके समझ में आया होगा, और जो बेसिक इंट्रोडक्शन था टॉर्सन का, टॉर्सन क्या होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है, और टॉर्क क्या होता है, ये भी आपके समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे वो, वहाँ पे हम लोग टॉर्सनल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और टॉर्सनल इक्वेशन को डिराइव करेंगे, दोनों व्यू देखेंगे, क्रॉस सेक्शनल व्यू पे भी देखेंगे क्या चेंजेज होते हैं अंडर द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, और
उसके बाद फिर वहाँ पे हम लोग शियर स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेन क्या होगा, कितना होगा, इन सारी बातों को वहाँ पे करेंगे। लेकिन उसके पहले ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग इन सभी अजम्पशंस को यूज़ करते हुए ही इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।